बिहार चुनाव की एक बार फिर से बात करेंगे, जिसमें ओवैसी ने क्या वोट काटने वाले दल के आरोपों का जवाब दे दिया है। कुल 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते हैं, तो क्या नजरें अब बंगाल पर भी हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम सी टीम वोट कटवा पैसे लेते हैं फुला करते हैं। इस चुनाव के परिणामों में यूं तो 2020 वाला ही रोमांच रहा। पल पल आंकड़े बदलते रहे, सांसें ऊपर नीचे होती रही कि अब की बार किसका बिहार। मगर इस चुनावी समर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। AIMIM ने बिहार में 5 सीटें जीत ली। अमोर में AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की। कोचाधामन में AIMIM के मोहम्मद इजहार असफी जीते। जोकीहाट में AIMIM के शाहनवाज आलम जीते। बैसी में AIMIM के रुकनुद्दीन जीते। बहादुरगंज में AIMIM के अजहर नईमी जीते। इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद है। तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही, और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले ही मुस्लिम समुदाय का नेता होने का टैग लगा हो, मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके प्रत्याशी इसलिए जीते क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जीत मिली है इसलिए ओवैसी की बातों में वजन दिखता है, मगर यही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी को बिहार में वोट कटुआ पार्टी कहा जाता था। हालांकि वोट कटुआ वाले मसले पर भी ओवैसी पहले ही जवाब दे चुके हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम सी टीम वोट कटुआ पैसे लेते हैं फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवा तक नहीं है, ओवैसी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहा। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ खड़े आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी AIMIM एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से बगैर घबराए असदुद्दीन ओवैसी डटे रहे। उन्होंने बिहार के समर में 60 से ज्यादा रैलियां की। वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान लगाए रहे और परिणाम सामने है। आज तक देखो। सुजीत झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जितेन बहादुर सिंह भी बने हुए हैं। सबसे पहले सुजीत आपका रुख करते हुए, AIMIM पार्टी को कभी वोट कटवा कहा जाता रहा, कभी उन्हें बी पार्टी बताया जाता रहा, लेकिन सब बातों से तर 5 सीटों पर जीत हासिल की है। क्या संकेत मिलते हैं इससे आने वाले वक्त के लिए? देखिए नेहा, AIM के एक जो संकेत है आप कह सकती हैं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें साफ निखर कर सामने आया कि पहला उन्होंने खाता खोला था किशनगंज सीट जीतकर, और उसी समय से लगने लगा था कि ओवैसी का खास तौर पर जो सीमांचल के जो 24 सीटें हैं उस पर काफ़ी वो काम कर रहे थे। काफ़ी दिनों से उस पर उनकी पार्टी जो है वहाँ पर पार्टी के जड़ों को मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन 5 सीटें आना बहुत बड़ी बात है, खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका है। और जो इस बार का माहौल था महागठबंधन में, जिस तरह से आप जो एक समीकरण लेकर चल रहा था महागठबंधन, उसमें 5 सीटें आना एक बहुत बड़ी बात है और निश्चित रूप से ओवैसी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओवैसी ने जब अपने गठबंधन के जो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट गठबंधन बनाने से पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ये गठबंधन में शामिल हुए तो उन्होंने कुछ खास सीटों को चुना।